नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल सक्सेना, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन, नागपुर। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसके माध्यम से हम लिवर, लिवर की बीमारियां और लिवर ट्रांसप्लांट से जुड़ी जानकारी आप सबके साथ साझा करते हैं। आज हम एक्यूट लिवर फेलियर, फल्मिनेंट लिवर फेलियर या त्वरित लिवर फेलियर के बारे में चर्चा करेंगे। एक्यूट लिवर फेलियर या फल्मिनेंट लिवर फेलियर या त्वरित लिवर फेलियर कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में लिवर को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है। इस बीमारी में पेशेंट का लिवर बिना किसी वार्निंग के, बिना किन्हीं लक्षणों के अचानक ही काम करना बंद कर देता है। अब हम बात करते हैं कि एक्यूट लिवर फेलियर या फल्मिनेंट लिवर फेलियर के प्रमुख कारण क्या हैं। पहला, डॉक्टर से बिना पूछे दवाइयाँ खाना। इसमें दर्द की दवाएँ जैसे क्रोसिन, पैरासीटामोल, ब्रूफेन और एस्पिरिन शामिल हैं। दूसरा, वायरल हेपेटाइटिस ए और ई। तीसरा, प्रेगनेंसी में दिखने वाली बीमारियाँ जैसे एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी एंड हेल्प सिंड्रोम। चौथा, डेंगू, मलेरिया, लैप्टोस्पायरोसिस। पाँचवा, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। छठवां, विल्सन्स डिजीज। अब हम बात करेंगे कि एक्यूट लिवर फेलियर या त्वरित लिवर फेलियर के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। शुरुआती चरण में पेट में दर्द होना, उल्टी आना, मितली आना, बुखार होना। अग्रिम चरण में लिवर फेलियर के क्लासिकल साइंस जैसे जॉन्डिस या पीलिया, भ्रम या कंफ्यूजन या कोमा, जिसे हम हेपेटिक एनकेफलोपैथी कहते हैं, ब्लड में शुगर लेवल का कम होना, अमोनिया का बढ़ जाना। जैसे जैसे लिवर खराब होता जाएगा, वैसे वैसे बॉडी के अलग अलग ऑर्गेन्स के ऊपर असर दिखने लगेगा। लेट स्टेजेस में कोमा, मल्टी ऑर्गेन डिसफंक्शन, ये सब भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एक्यूट लिवर फेलियर का पता कैसे चलता है। पहला, ब्लड टेस्ट। दूसरा, पेट की सोनोग्राफी। तीसरा, मरीज के मानसिक स्थिति की जांच। एक्यूट लिवर फेलियर के ट्रीटमेंट में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, चूंकि इस बीमारी में पेशेंट की तबीयत बहुत जल्दी खराब हो सकती है, यानी कुछ ही दिनों या कुछ ही घंटों में भी खराब हो सकती है, इसलिए जैसे ही इस बीमारी का पता चले वैसे ही इसका निदान या ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। चूंकि इस बीमारी में इन पेशेंट्स को लिवर के स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स, जहाँ पे हिपैटोलॉजिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन्स हैं, ऐसी जगहों पर भर्ती करवाना चाहिए और ऐसी जगह ही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक्यूट लिवर फेलियर के पेशेंट्स में प्लाज्मा फेरेसिस या प्लाज्मा एक्सचेंज की क्या भूमिका है। प्लाज्मा फेरेसिस या प्लाज्मा एक्सचेंज एक तरह का डायलिसिस है, जिसमें ब्लड को फिल्टर करके उसके अंदर से जहर, टॉक्सिन, साइटोकाइंस, ये सब बाहर निकाला जाता है। एक्यूट लिवर फेलियर के पेशेंट्स में इससे थोड़ा आराम हो सकता है। क्या एक्यूट लिवर फेलियर के पेशेंट्स में लिवर ट्रांसप्लांट की भी कोई भूमिका है? जी हाँ दोस्तों, लगभग 25% पेशेंट्स में लिवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा और ऐसे पेशेंट्स को इमरजेंसी या अर्जेंट लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। किसी पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या नहीं, इसके लिए कई प्रकार के स्कोरिंग सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें किंग्स कॉलेज क्राइटेरिया का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। एक्यूट लिवर फेलियर के पेशेंट्स के लिए लिवर ट्रांसप्लांट एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है और ये अगले 24 से 48 घंटों के भीतर ही करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि एक्यूट लिवर फेलियर के पेशेंट्स के लिए ब्रेन डेड यानी कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट या लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, दोनों में से कौन सा बेहतर है। एक्यूट लिवर फेलियर के पेशेंट्स के लिए ब्रेन डेड यानी कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट के कंपैरिजन में लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट बेटर है। आइए जानते हैं कि इसके क्या कारण हैं। पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्यूट लिवर फेलियर में ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया 24 से 48 घंटे के भीतर ही पूरी करनी पड़ती है। कैडेवरिक या ब्रेन डेड डोनर से लिवर ट्रांसप्लांट में पेशेंट का नाम वेटिंग लिस्ट में लगाया जाता है और उसको कई दिन या कई महीनों इंतजार करना पड़ता है। इसलिए एक्यूट लिवर फेलियर के पेशेंट्स के लिए कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट सही नहीं रहेगा। दूसरा, लाइव लिवर ट्रांसप्लांट में डोनर मरीज का रिश्तेदार होने की वजह से ज़्यादा सही मैचिंग होने की संभावना होती है। तीसरा, लाइव लिवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन का कुल समय कम होने की वजह से नया ट्रांसप्लांटेड लिवर अच्छा बना रहता है और जल्दी काम करना शुरू कर सकता है।
इन तीन कारणों की वजह से एक्यूट लिवर फेलियर के पेशेंट्स के लिए लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट ज्यादा बेटर ऑप्शन है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि एक्यूट लिवर फेलियर में किए गए लिवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट क्या है। एक्यूट लिवर फेलियर के 20-25% मरीज बिना ट्रांसप्लांट के अच्छे नहीं हो सकते। इन पेशेंट्स में लिवर ट्रांसप्लांट करके उनकी जान बचाई जा सकती है। एक्यूट लिवर फेलियर में किए गए लिवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट 90-95% है। इसका मतलब है कि प्रत्येक 100 एक्यूट लिवर फेलियर के मरीज जिनका लिवर ट्रांसप्लांट किया जाएगा उसमें से 90-95% मरीज अच्छे हो जाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। जिन मरीजों की बीमारी बढ़ गई है, जिनमें मल्टीपल ऑर्गेन सिस्टम्स इन्वॉल्व हो गए हैं और जो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है, ऐसे लोगों में ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस कम है। लिवर की बीमारियां और लिवर ट्रांसप्लांट से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमसे हमारे YouTube चैनल और Instagram प्रोफाइल पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट livertransplantindia.info पर विजिट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम जल्द से जल्द आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।